सो हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप सभी लोग, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना ऑफिस जाते जाते भी व्लॉग बना लिया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि डेली ऑब्जर्वेशन के वीडियोस डाल दिया करूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे 12 किलोमीटर गाड़ी चलानी ही रहती है मोटो व्लॉगिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो भी चैनल पे नया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिना किसी देरी के, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। तो यार, सबसे इरिटेटिंग पार्ट रहता है ना रिक्शा वालों का, ये रिक्शा वाले मतलब कहीं भी रुका देते हैं। तो यार, इन लोग से तो संभल के ही चला करो। कहीं भी कस्टमर बिठाएंगे, नो इंडिकेटर, नथिंग। अब ये एग्जैक्टली डोमिनर में प्रॉब्लम क्या होता है ऐसी ट्रैफिक, यहाँ पे अभी ट्रैफिक हो चुका है शुरू, तो ऐसे सब सिचुएशन में मतलब बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। बट ठीक है, यहाँ पे फिर भी निकल रही है गाड़ी, तो इतना कुछ इशू नहीं है। बट यहाँ पर इसी वजह से गाड़ी की, तो मुझे लगभग 26 का एवरेज मिलता है ऐसे सब सिचुएशन में, मतलब इतने ट्रैफिक में, तो ठीक ठाक है। बीइंग अ 400cc बाइक सिटी में, इफ इट इज़ गिविंग मी अराउंड 26 का एवरेज, सो इट इज़ क्वाइट गुड। सो सी दिस, मतलब रिक्शा वाले मतलब ऐसे चलाएंगे ना, आपकी गाड़ी टच भी नहीं होगी लेकिन हमें डर ज़रूर लग जाता है कि कहीं हमें टच ना हो जाए, हम कहीं टच ना कर दें उनकी गाड़ी को। अरे कहना क्या चाहते हो, नुकसान हो जाएगा, उनका कुछ नहीं जाता है भाई। वो लोग एकदम हैवी ड्राइवर रहते हैं, हैवी लिटरली हैवी ड्राइवर। तो यहाँ पे अब मेरा हाथ दुखना शुरू हो गया और हैवीनेस फील होना शुरू हो गया डोमिनर का। ये एक थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगता है, क्योंकि इसके हैंडल में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब रिस्ट दुखने लगती है, क्योंकि यहाँ पे हैवीनेस फील होता है गाड़ी में, फ्रंट एंड में। आई होप कि आपको ऑडियो परफेक्टली आती हो और कहीं हैंग ना हुआ हो, क्योंकि गोप्रो का और भी बहुत सारे, मतलब गोप्रो के भी बहुत सारे ड्रॉबैक है, बहुत सारे तो नहीं कह सकता हाँ, बट हैंग होने का तो ड्रॉबैक है ही सही। XUV700 यार क्या गाड़ी है यार, मतलब दिल जीत लिया। XUV700 बहुत ही अमेजिंग कार है, आई होप आपको दिख रही रहेगी सामने की तरफ, देख रहे हो, मतलब इतना टाइम लग गया और मेरे पैर लिटरली हीट होने लग गए इंजन। वाओ यार, XUV700 क्या ही दिखती है, प्रीमियम लगती है गाड़ी एकदम। अब देख सकते हो यार, ट्रैफिक कंडीशन हमारे इधर पे कितनी ही वाहियात है यहाँ पे, मतलब इतनी छोटी सी जगह है उसमें आप लोग बस ट्रक सब घुसा दोगे, क्या बोला तूने, कैसे जाएंगे। ये देखो भाई को बहुत ज़्यादा घाई है। अरे मैडम आराम से, वैसे मैं ना मुझे डर लगता है कि कहीं कोई ठोक ना दे पीछे से। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, फालतू में इतने हॉर्न दे रहा है, देखो भी नहीं सुधरेंगे। और ये पुलिस वाले इन लोगों को क्यों नहीं कुछ बोलते, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता, मतलब कहीं भी रॉन्ग साइड से चलेंगे विदाउट इंडिकेटर, और वहीं अगर हम लोग ये चीज़ करेंगे तो फटाक से पुलिस वाले पकड़ लेंगे। और यस, और एक रूल आ गया है मुंबई में कि हेलमेट बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया गया है, पीलियन को भी अभी मैंडेटरी हो चुका है। तो मुंबई से हेलमेट पहना करो यार, आपकी सेफ्टी के लिए होता है, और आपके साथ साथ जितना आपकी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है उतना ही आपके साथ पीलियन की भी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है। वो कोई पत्थर का सर लेके नहीं घूमते पीलियन वाले, तो यार उन पे भी थोड़ा ध्यान दो, उन्हें भी बोलो कि अगर कभी आते हो बाइक में पीछे बैठने के लिए तो
प्लीज़ अपना हेलमेट कैरी करें, और अगर राइडर के पास एक्स्ट्रा हेलमेट है तो यार अपने पीलियन भाई के लिए या बहन के लिए ज़रूर हेलमेट कैरी करें। सो लिटरली मैं 12 किलोमीटर के हिसाब से ना मैं थक जाता हूँ यार गाड़ी चला के, मतलब मुझे बोर हो जाता है यार 12 किलोमीटर के लिए, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी निकालो, मतलब मेरा डेली गाड़ी बाइक राइड हो जाता है, 24 किलोमीटर मेरा डेली रनिंग है। तो सिग्नल भी लग गया तो हमें रुकना पड़ेगा। सो गाइस सिग्नल फॉलो किया करो, देख रहे हो चला रहा रिक्शा सीधा है, राइट साइड का इंडिकेटर दिया है भाई साहब, इंडिकेटर चालू है। तो ऐसा कुछ है, रोड की कंडीशन देखो, कहीं भी बीच में खड्डा पाइप निकला हुआ है, मतलब कितना रिस्की है यार गाड़ी चलाना यहाँ पे। कभी कभी तो ऐसा लगता है यार गांव के रोड अच्छे हैं मुंबई से, स्पेशली सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि गांव के रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और मुंबई के तो भाई हाईवे का क्या ही कहना, कहीं भी पॉटहोल आ जाते हैं। और अभी तो बारिश आ गई है, तो बारिश में तो आप लोग सोच ही सकते हो कि क्या हालत होने वाली है, मतलब टाइम कंप्लीट भी नहीं होता है कि पब्लिक बस गाड़ी निकाल देती है। देख फॉर्मल्स में भी गाड़ी चलाना एक टास्क है यार। और ऐसे गर्मी में हेलमेट के अंदर ना लिटरली स्वेटिंग टपकती है ना, तो नाक पे इतनी ज्यादा खुजली होती है, फ्रॉक बैंडी। वाहियात वाला रोड था, दो तीन बार खड्डे में ऊपर नीचे हो गई गाड़ी, और ये ट्रैफिक शुरू होता है यहाँ पे, चलाना एक टास्क है। मैं तो बराबर से निकाल लेता हूँ गाड़ी, बट पीछे वाले जो है ना वो मुझे कैसे ना कैसे टच कर ही देते हैं गाड़ी पे, और फिर सॉरी बोल के चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का रास्ता यही है, यहाँ पे गाड़ी ओवर हीट होने लगती है। क्या पागल लोग है यार, लिटरली रास्ते पे लिटरली इडियट लोग चलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट होते होते बच गया। मतलब देखना ही नहीं है, बंदा क्रॉस कर रहा है इधर देख रहा है उधर, यार ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होते होते रह गया। फ्रेक अब भी मुझे थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि यहाँ पे हवा लग रहा है और पसीने सूख रहे हैं अभी, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब सॉरी मैं थोड़ा बियर्ड लग रहा रहेगा पसीने की मैं बात कर रहा हूँ, बट यार इट्स टू हॉट मैन, टू हॉट। और पूरे गियर्स में मतलब बाइक राइड करना वो सबसे बड़ा हेक्टिक टास्क हो जाएगा, जो हमसे फिलहाल तो ना होएगा फिलहाल तो हमसे नहीं हो पाएगा। देखो आंटी जी ब्रेक ऊपर है, तो ये थोड़ा रोड सही है, और ये उस साइड का जो रोड है ना उसमें इतना ही मजबूत कर्व है, देख सकते हो आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर्व है, तो वहाँ पे कुछ गाड़ी आ जाती है ना तो दिक्कत हो जाता है।